गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग अपनी जो इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। आज मैं दूसरी वाली बुक शुरू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पार्ट आज पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग दोनों बुक्स एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है क्लास, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्या होता है इकोनॉमिक्स? हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद ह्यूमन, जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी डील करती है ह्यूमन बिहेवियर में, और स्टडी करती है प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस स्टडी करती है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन, जो हमें रिसोर्सेज गिवन हैं उसके गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे, जो भी हमें गिवन चीज़ें हैं हमारे पास रिसोर्सेज जो गिवन हैं वो कैसे काम करते हैं कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पे, ये होती है हमारी इकोनॉमिक्स। अब हम लोग एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर। देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स आप लोग 11th में आए हो, 11th में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज़ दैट सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर है दैट फोकसेस ऑन रीजनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड। स्केयर का मतलब क्या होता है क्लास? स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड। तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए हम अपने इकोनॉमिक को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन माइक्रो और मैक्रो लेवल, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, तो उन 100 रुपये को हम किस तरीके से अपना उसको मैनेज कर लें ताकि हमें उसे उस 100 रुपये से फुल सेटिस्फेक्शन अपना मिल जाए, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्स, स्केयर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। मान लीजिए जो रिसोर्सेज कम हैं, लिमिटेड हैं, उन्हीं का तो आप मैनेजमेंट करेंगे। अब जिन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी थोड़ा ना हम लोग कहीं ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास है, तो हमें उस जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज कमी हैं जिन चीज़ों की, उन्हीं का ही तो मैनेजमेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रुपये हों तो उनका क्या मैनेजमेंट करेंगे? हमारे पैसा बहुत है, जब रुपये कम होते हैं, पैसा कम है हमारे पास, तो हम मैनेजमेंट करेंगे कि हम उनको किस चीज़ों से, किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, तो उसे मैनेजमेंट करना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना ताकि हम अपनी इकोनॉमी को, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको गेन करवा सकें, गेन चाहे इंडिविजुअल इकोनॉमी हो माइक्रो, चाहे पूरी होल इकोनॉमी हो मैक्रो, दोनों लेवल की इकोनॉमी को हम कैसे अब मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मैक्सिमाइजेशन। ठीक, कैसे मैक्सिमाइज कर सके, तो इकोनॉमिक्स हो जाती है। क्या हमें डेफिनेशन हुई? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज दैट आवर इकोनॉमिक गेंस मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एंड एट मैक्रो लेवल। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअली और मैक्रो का मतलब एज अ होल। मैक्रो मतलब कम, एक आदमी की इकोनॉमी कैसी हो, और मैक्रो मतलब पूरा, सब पूरा एज अ होल। मैक्रो मतलब होता है लार्ज। ठीक, अभी आप हम लोग माइक्रो और मैक्रो की बात करेंगे तब हम पूरा सही से समझाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ठीक है इकोनॉमिक्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज का रेशनल मैनेजमेंट, रेशनल मैनेजमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? रेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है इस तरीके से मैनेज करना ताकि वो हमें तो फ़ायदा करे ही करे, हमारे आने आने वाली जो जनरेशन है उनको भी
फ़ायदा मिल सके हमारी इन इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे फ्यूल है, फ्यूल हमारे पास कम हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, हमने बाहर दूसरे विदेश से ख़रीद लिया, तो क्या ये हमारी हमने क्या जो रिसोर्सेज हमारे पास, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे पास रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को हम किसी दूसरी कंट्री से ख़रीद रहे हैं, तो क्या ये हमारा रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उनका इस्तेमाल, मतलब हमने पेट्रोल दूसरे देश से तो ख़रीद लिया, लेकिन उस पेट्रोल के जो हमने ख़रीदा है उसके उसको ख़रीदने के लिए हम लोगों ने कुछ पैसे भी तो दिए होंगे, तो जो पैसे हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है वो तो हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करेगा ना, बढ़ाएगा तो नहीं। हाँ, पेट्रोल और डीजल तो हमें मिल गया, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जो पैसा हमारे देश से बाहर चला गया वो तो हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर कर देगा ना। फिर तो ऐसे मैनेजमेंट करना है कि पैसा हमारी कंट्री के अंदर ही बना रहे, कंट्री से बाहर ना जाए, बाहर चला जाएगा तो फिर गलत है, कंट्री में ही रहे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आने वाली हमारी जनरेशन में उनको यूज़ कर सके। अच्छा ठीक, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज़ क्यों होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों होती है? एक तो लिमिटेड, जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हों, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। दूसरा, मान लीजिए हम लोग जब हम और हमेशा आदमी के पास रिसोर्सेज की कमी रहती ही रहती है। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा अतः पैसा है, लेकिन वो उस पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकता है। ठीक है, इवन अ रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ वुड नेवर हैव एनफ मनी, एनफ रिसोर्सेज टू बाई ऑल दैट ही विशेस टू बाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज की कमी तब भी रहेगी, उसके मन में ऐसी बहुत सारी ख्वाहिश रहेगी जो पूरी नहीं कर सकता है उन पैसे के जरिए या उन रिसोर्सेज के जरिए। तो उसके रिसोर्सेज चाहे कितने भी ज़्यादा हों, लिमिटेड ही रहते हैं उसके लिए। ठीक है, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़, अगर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी कर रहे हो तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये हैं, अब उन 100 रुपये से आपको अपने लिए दवाई भी खरीदनी है, और आप चाह रहे हो कि यार हम सोच रहे हैं या पिक्चर भी देख लें 100 रुपये से, तो अब उन 100 रुपये से या तो आप अपनी पिक्चर देख पाओगे या दवाई खरीद पाओगे, दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। तो जब दोनों काम नहीं हो पा रहे हैं तो अल्टरनेट उस 100 रुपये का दो यूज़ हो गए ना, 100 रुपये आपके पास हैं, 100 रुपये से दो चीज़ें करनी है, पिक्चर भी जाना है और दवाई भी खरीदनी है, मेडिसिन। तो या तो मेडिसिन खरीद लोगे या पिक्चर देख पाओगे, दोनों में से एक ही चीज़ आप कर सकते हो। तो इन 100 रुपये का अल्टरनेटिव दो तरीके का यूज़ हो गया। अगर सिंगल ही यूज़ होता तो ठीक है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अपना गए दवाई खरीद ला, लेकिन हम चाह रहे हैं दो चीज़ें हो जाएँ, और तो फिर ये जब ऐसी कंडीशन होती है तब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। हम लोग अब अपने टॉपिक पे आ गए हैं, जो मेन टॉपिक है माइक्रो, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ठीक है, माइक्रो सिम देखा होगा, माइक्रो नैनो, तो माइक्रो का मतलब होता है कम, स्मॉल छोटा, तो माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो मीन्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अ इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब भी स्टडी करते हैं, डील्स कर जब भी इकोनॉमिक इशू को डील करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो किस चीज़ के लिए डील हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे, हमेशा एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, सिंगल यूनिट कह लो, इंडिविजुअल कह लो, हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की बात होती है। इंडिविजुअल फर्म होगी किसी की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, एक ही इंडस्ट्री की, हम पूरे देश की इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सिंगल आदमी की बात कर रहे हैं, हम एक सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जब हम सिंगल किसी की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल का मतलब एक ही आदमी की बात हो रही है। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट
एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ठीक है, व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं और एड्रेस करते हैं इंडिविजुअल के लेवल में, कि उस कि एक ही कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं एक ही फर्म की बात कर रहा हूँ, मैं एक ही इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल आदमी की बात कर रहा हूँ, तब हम कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। जब हम सिंगल की बात करते हैं, सिंगल यूनिट की बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, थ्योरी। अच्छा, हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंज्यूमर पे भी इफ़ेक्ट करती है, प्रोड्यूसर पे भी इफ़ेक्ट करती है, दोनों पे इफ़ेक्ट करेगी। कंज्यूमर पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। मान लीजिए आप, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया, मैं जाके मैंने देखा कि प्राइस रिलायबल लगा, मुझे ठीक लगा, मैंने खरीद लिया। अब मान लीजिए वही प्रोडक्ट दो दिन बाद, तीन दिन बाद उसका प्राइस बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है जब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स आप सर्विसेज जो भी आप लेने जा रहे हो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब मैंने कहा, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। ठीक है, प्राइस घट जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी, ये दोनों वाइस वर्सा आपस में चलते हैं। या प्राइस बढ़, अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी थोड़ा सा लेना कम कर देते हैं। मान लीजिए आज के टाइम पे चीनी 40 रुपये किलो है, कुछ टाइम बाद वही 50 रुपये किलो हो जाए, 60 रुपये किलो हो जाए, तो आप थोड़ा सा कम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, या कम मिलने लगेगा आपको, आप तो ठीक है। तो जब प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी देखा था। प्रोड्यूसर के बिहेवियर को कहते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि जो वो प्रोड्यूस, देखो हमेशा प्रोड्यूसर का एक मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बिजनेस कर रहा है, तो प्रोड्यूसर फोकसेस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, प्राइस बढ़ेगी तो उसकी उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो चाहेगा जब प्राइस बढ़ी ज़्यादा है तो मार्केट उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके, वो तो यही चाहेगा ना। इट एनालिसिस हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू मच। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं कि प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है, कि डिमांड क्या है मार्केट में, कंज्यूमर को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी क्या रेट होने चाहिए, वो सब इस प्रोड्यूसर बिहेवियर में कैसे प्रोड्यूसर बिहेव करेगा उस पर हम डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए आपकी प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर का क्या मन हुआ कि कंज्यूमर की तरफ से तो डिमांड कम हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, प्रोड्यूसर चाह रहा है कि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड बढ़े, डिमांड मतलब बढ़े नहीं, डिमांड मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो दोनों का अलग चलता है, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, ये है कंज्यूमर का बिहेवियर। प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर चाहता है कि डिमांड भी बढ़े, ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर है। दोनों का बिहेवियर आपस में अलग होता है, एक का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देता है, दूसरे का प्राइस बढ़ने पर चाहता है कि डिमांड बढ़ जाए, तो दोनों का एक साथ चलता है। इसमें हम कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ, इसमें एक थर्ड कंपोनेंट भी है, थ्योरी ऑफ प्राइस। प्राइस की थ्योरी मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर कह लो चाहे प्रोड्यूसर का बिहेवियर कह लो, दोनों में प्राइस की ही बात कर रहे हैं ना, प्राइस बढ़ रहा है कि प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा हो तो हम प्राइस की ही बात कर रहे हैं। सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, प्राइस पे। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इसमें एक थर्ड कंपोनेंट्स भी आता है, थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, अब ये तो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्मॉल,
माइक्रो मतलब स्मॉल, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन सिंगल यूनिट के टाइम पे, सिंगल यूनिट या सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल एक ही आदमी की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सिंपल अब ये बात समझो, ठीक है। और इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा और थ्योरी ऑफ प्राइस क्या होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या था, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो मैक्रो मतलब लार्ज, और लार्ज में इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब होता है, लार्ज मींस द इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज का मतलब बड़ा नहीं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे सिंगल प्रोड्यूसर की, सिंगल इंडस्ट्री की इकोनॉमी की, कि एक इंडस्ट्री में प्राइस घटने बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक फर्म में प्राइस घटने बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक सिंगल कंज्यूमर है या सिंगल प्रोड्यूसर है, उसका प्राइस घटने से बढ़ने से क्या बिहेवियर होगा, उस बात की हम चर्चा कर रहे थे किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करेंगे, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की, नेशनल इनकम पूरी, ठीक है। जब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो मीन्स लार्ज, इन इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल मतलब पूरी सबकी बात, अब यहाँ सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं है, एक यूनिट की बात नहीं है, पूरी कंट्री की बात हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। एज अ होल मतलब WHO एनी वाला होल है, तो इसमें मतलब हुआ कि पूरी हम कंट्री की इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक वो सिंगल की बात कर देता है, माइक्रो में पूरी कंट्री की। दूसरी बात, दूसरी डेफिनेशन देखो, व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ अ कंट्री एज अ होल, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं आपको दिख जाता है कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल फर्म की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की इकोनॉमी की, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें भी तीन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने पहले भी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाले बुक में भी पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में एक जगह जाके मिल जाएं, दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, कि जितनी डिमांड हो रही है सप्लाई भी उतनी ही हो रही है, ठीक है। प्राइस और डिमांड मतलब जहाँ पे जितना हमें पैसा खर्च करना था हम उतना ही खर्च करके सामान खरीद रहे हैं, हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अपना जो प्रोडक्ट खरीदा है उसे कंज्यूम करके हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की एक जगह जहाँ पे मिलते हैं आगे, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कंपोनेंट होता है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब इट इज़ प्रॉपरली नोन एज द थ्योरी ऑफ, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट स्टडीज हाउ इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, बताए ना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे बराबर हो जाए वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। AS इक्वल टू AD, AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई और AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाए, हमें जितनी सप्लाई हो रही है, जितनी डिमांड है सप्लाई भी उतनी ही है, ना ज़्यादा है ना कम है, उस टाइम पे जहाँ पे डिमांड भी आके एक जगह और सप्लाई आके एक जगह मिल गए, जिस पॉइंट पे मिले उसे कह दिया इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इसका मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट डिमांड कम हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम,
ठीक है, जहाँ पे आके मिल गए दोनों, उसे क्या है इक्विलिब्रियम, कि डिमांड भी और सप्लाई दोनों सेम हो गई तो इक्विलिब्रियम हो गया। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई उतनी नहीं है, हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदने गए मार्केट में और उस प्रोडक्ट की सप्लाई ही नहीं हो रही है कंपनी से, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है इतनी क्वांटिटी में कि हमारी डिमांड को फुलफ़िल कर सके, तो वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई तब इक्विलिब्रियम, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। अब मान लीजिए सप्लाई बहुत हो गई, बहुत सारी सप्लाई हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, सप्लाई हो रही ज़्यादा और डिमांड उसकी उतनी है नहीं, तो इस पॉइंट पे भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टॉपिक जो होता है वो यहीं पे आता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड में, ठीक है। यहाँ पे इसका छोटा सा पार्ट है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मतलब हो गया इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई तो डिसइक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई तो भी डिसइक्विलिब्रियम। समझ गए दो पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और तीसरा भी कोरिलेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इन सब के बारे में हम लोग आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन पहले हमने बताया आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीन कंपोनेंट्स क्या क्या बताए, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा प्राइस के बढ़ने घटने पर, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा प्राइस के घटने बढ़ने पर, और थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है इस, क्योंकि इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस की ही बात होती है, प्राइस ही मेन रोल प्ले करता है। कैसे, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, ठीक है। फिर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, वर्ल्ड की इकोनॉमी की कह लो चाहे कंट्री की इकोनॉमी की कह लो, तब हम किसकी बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, और थ्योरी रिलेटेड टू कोरिलेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हैं वो इक्विलिब्रियम हो गया, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, जहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है वहाँ भी डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। और इसमें एक डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, ये आप अपने कॉपी में भी नोट करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है आपकी बुक का दिया हुआ, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो मैंने बता भी दिया, पढ़ भी लेते हैं एक बार। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, जब हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की बात होती है, ठीक है। प्राइस इन द मार्केट क्या है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट आउटपुट देखते हैं कि टोटल आउटपुट क्या निकल रहा है, ठीक है, कितना डिमांड है कितनी सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग, उसमें हम इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, दस इट इज़ एज्यूम्ड दैट जनरल प्राइस लेवल इज कॉन्स्टेंट वाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द इंडिविजुअल मार्केट। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एज्यूम द मैक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा मैंने बताया था पहले भी आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर का बिहेवियर प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं कि क्या सप्लाई है कितनी डिमांड है उसके बारे में जब बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये चार पॉइंट्स, चार डिफरेंस आपके बुक में दिए हुए हैं, अपने कॉपी में भी आप नोट करेंगे, ठीक है। आज मैंने पढ़ाया, कल हम लोग शुरू करेंगे अपना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, और इसके आगे छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी, उस इकोनॉमी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश, छोटा सा चैप्टर है, एक दो वीडियो और बनेंगे उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो मैंने आज आपको नई बुक शुरू करी है, फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, थैंक यू क्लास।